सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज हम लोग आए हैं जोधपुर के जसवंत थड़ा, जो कि आप लोग देख सकते हो पीछे की तरफ है जसवंत थड़ा। और हम लोग यहाँ पर आए हैं शूटिंग करने के लिए, बिकॉज और इसको मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है हमारे जोधपुर में। तो और वो है पीछे की तरफ जोधपुर फोर्ट, और ये मतलब जसवंत थड़ा का पूरा एरिया है। और यहाँ पर एक सलमान खान की मूवी शूट हुई थी, जो हम साथ साथ है मूवी शूट हुई थी यहाँ पर। उसका गाना शूट हुआ था एक मारे हिवड़े में नाचे मोर चल छैया छैया, तो उस गाने की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। और कुछ फुटेज वगैरह आप लोगों को हम दिखाएंगे अंदर, तो अभी हम अंदर चलते हैं, आप लोग देख सकते हो। और ये सुबह, और ये है कुछ जसवंत थड़ा का सीन इस तरह का। नहीं नहीं, मैं अकेला हूँ। यह है टिकट काउंटर, और हमने यहाँ पर टिकट ले लिया है 30 रुपीज का, और अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं। अंदर आने के बाद ये झील वगैरह है कुछ बनी, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर सुबह सुबह आने का मजा ही कुछ और है, और यहाँ पर कुछ सावधान हो दिया गया है। अंदर से कुछ ऐसा सीन है, वो है। यह है जसवंत थड़ा, मारवाड़ का ताजमहल। तो मैं आ चुका हूँ ऊपर, और आप लोग देख सकते हो यह है पीछे की साइड है अपना जसवंत थड़ा, और वो है अपना पूरा जोधपुर पीछे की साइड, फॉरेस्ट वगैरह। और कुछ मूवी के सीन्स वगैरह लिए गए थे यहाँ पर, तो वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ही लिए गए थे, तो बाकी अंदर लिए गए थे, और पीछे की साइड भी है मूवी के सीन, तो दिखा देता हूँ आप लोगों को। जो मूवी का एक शूट, मतलब एक सीन यहाँ से लिया गया था, आप लोग देख सकते हो, मतलब स्क्रीन शॉट में मैच कर लेना आप लोग, यहाँ पर लिया गया था। और एक सीन यहाँ से लिया गया था, पहले पेड नहीं था मेरे हिसाब से, एक सीन यहाँ से लिया गया था, यहाँ पर वो खड़े होते हैं दोनों, मिला सकते हो आप स्क्रीन शॉट में देख कर। और जो बाकी के सीन थे वो वहाँ पर लिए गए थे, अभी नीचे जाकर आप लोगों को बताऊंगा। वो चारों छतरियाँ दिख रही हैं, तो वहाँ पर लिए गए थे। अभी नीचे चलकर आप लोगों को दिखाता हूँ। नीचे कुछ और शॉट्स लिए गए थे पिक्चर के, यहाँ पीछे से ये जो चारों छतरियाँ दिख रही हैं यहाँ से लिए गए थे। अभी मैं मैच करा देता हूँ आप लोगों को। वो जो एक सीन यहाँ से लिया गया था, आप लोग देख सकते हो, वो जो आप लोगों को टावर दिख रहा है वहाँ, वो भी है इस स्क्रीन शॉट में, आप लोग देख सकते हो। और चारों छतरियाँ भी दिख रही हैं, और पीछे हैं जसवंत थड़ा, तो आप मिला सकते हो स्क्रीन शॉट में। पीछे ले जाता हूँ, ओके, आप मिला लेना। और एक सीन वहाँ से आगे की तरफ से लिया गया था, मैं दिखा देता हूँ कहाँ से लिया गया था। यहाँ से लिया गया था, मिल नहीं रहा है, एक मिनट में दिखा देता हूँ आप लोगों को। और एक सीन यहाँ से लिया गया था, आप लोग देख लेना, छतरियों में मिला लेना, वो है दिख रहा है आप लोगों को, तीनों छतरियाँ दिख रही है। और कुछ सीन्स ऊपर की तरफ लिए गए हैं, वो मैं दिखा देता हूँ। सो अभी मैं जाने वाला हूँ महल के अंदर, मतलब इसके अंदर क्या है आप लोगों को दिखा देता हूँ। और कुछ बाकी शॉट्स वगैरह थे वो भी दिखा देता हूँ। प्रॉपर चल लेते हैं अपन लोग, और आप लोग देख सकते हो। और महल के ऊपर आ चुके हैं,
कुछ सीन है ऐसा, पूरा जोधपुर अपना नजर आ रहा है। और यह है महल, महल के अंदर भी कुछ बना है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले आप बाहर का सीन देख ली, देखो यहाँ पर सूट हुआ वो तो मैंने दिखा ही दिया। यह है महल, महल के अंदर कुछ मतलब फोटोज वगैरह लगी है अपने जो पुराने महाराजा वगैरह थे सारे के सारे उनके। और कुछ ऐसा नज़ारा है बढ़िया सा देख सकते हो। अभी हम महल के अंदर चलेंगे, उससे पहले जूते खोलना जरूरी है तो अपन जूते खोल लेते हैं और अभी चलते हैं महल के अंदर। कुछ अंदर का सीन है इस टाइप का, देख सकते हो। बैक कैमरे से दिखा देता हूँ, कुछ जो महाराजा वगैरह थे उनकी तस्वीरें लगी हुई है, जो महाराजा तखत सिंह थे, मान सिंह, जो यहाँ मतलब जोधपुर के अपने जितने भी थे 1751 के, मतलब सारे के सारे देख सकते हो आप लोग। कुछ बना है इस टाइप का, चलो ये तो महल तो आप लोगों ने देख ही लिया। और अभी चलते हैं अंदर, जो एक सीन था वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, फिर चलते हैं अपन घर। और बना है कुछ इस टाइप का, यहाँ पर नीचे झील है, पूरा अपना जोधपुर फोटो शूट के लिए भी बेस्ट जगह है। सो गाने का एक शूट मतलब एक सीन यहाँ से लिया गया था, वहाँ पर वो दोनों खड़े रहते हैं और देख सकते हो, मिला सकते हो आप लोग स्क्रीनशॉट। गाइज यहाँ पर तो मूवी के सीन इतने ही थे, आप लोगों ने देख ही लिया। और बाकी सीन जो अपने जोधपुर फोर्ट दिख रहा है पीछे, वहाँ पर लिए गए थे, तो वो आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगले वीडियो की। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।